मैं आप सब प्रेस बंधुओं का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और इस कार्यक्रम में भी जो इसके बाद होने जा रहा है उसमें मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। काफी समय के बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबसे रूबरू होने का मौका मिला है, और वो भी ऐसे समय में जब काफी समय के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव जो है चरम सीमा पर है और भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने जा रही है। एक झूठा प्रोपेगंडा कुछ लोगों द्वारा जो आज समझते हैं कि वो सत्ता से बाहर होने जा रहे हैं, वो जानते हैं कि वो आज सत्ता में नहीं आ सकते। एक झूठा प्रोपेगंडा उनके द्वारा एक झूठे ऑर्डर के माध्यम से जो है वो फैलाया जा रहा है ई मीडिया के माध्यम से। वो ऑर्डर आप सबने देखा भी होगा, ऑन द डायरेक्शंस ऑफ पार्टी हाई कमांड ऑल बीजेपी वर्कर्स ऑफ कश्मीर प्रोविंस। और इस ऑर्डर के माध्यम से उन अलगाववादी पार्टियों की सोच जो है वो सामने नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी अलगाववादी पार्टी उस सोच का समर्थन नहीं करती है जिन अलगाववादी पार्टियों ने 70 वर्ष तक लगातार वहां पर जम्मू कश्मीर में राज किया है, चाहे वो कोई भी पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही किसी अलगाववादी नेता इंजीनियर रशीद यानी अब्दुल रशीद शेख उनका भी कोई समर्थन नहीं करती है। ये ऑर्डर जो है एक फेक है, झूठा है, और लगातार से हम लोग देख रहे हैं कि बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां जो सत्ता में रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके हैंडल के माध्यम से भी इस ऑर्डर को जो है लोगों के बीच में फैलाया जा रहा है। और ये झूठा प्रोपेगंडा सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि उनको आज लगता है कि वो सत्ता में नहीं आ सकते। और भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते के ऊपर सरकार बना रही है। जम्मू प्रोविंस में तो बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन इस बार कश्मीर प्रोविंस में भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है उसके माध्यम से सीधे तौर पर उनको नजर आ रहा है। इसलिए झूठे प्रोपेगंडे के तौर पर ये ऑर्डर जो है ई मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में ले जाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसको कंडेम करती है, और माननीय रविंदर राणा जी ने भी अपने ट्विटर के ऊपर उन्होंने ट्वीट किया है, और जल्द ही हम लोग इस विषय को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास भी जाएंगे। और इसके साथ साथ एक FIR भी जो है माननीय रविंदर राणा जी की तरफ से उनको बता दिया गया है, जल्द उनके माध्यम से जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हैं, उन पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगी। मेरा आज आप लोगों के बीच में इतना ही कहना था, हालांकि आज कोई और कार्यक्रम था, लेकिन एकाएक ये ऑर्डर ई मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में एक फेक ऑर्डर जो था, और खासतौर पर जब इसको आप लोग देखेंगे तो आप लोगों के ध्यान में आएगा कि सभी चीजों को जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सामने रखा गया है, और इसी माध्यम को जो इस्तेमाल करके वो पॉलिटिकल पार्टीज जो आज हाशिए पर खड़ी हो गई हैं वो आज ऊपर आने का जो है वो प्रयत्न कर रही हैं।
और आप अगर उनके माननीय रविंद्र राणा जी के ओरिजिनल सिग्नेचर्स आप देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि वो बिल्कुल डिफरेंट है। यानी किसी ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ये फेक आर्डर निकालकर पार्टी की छवि को मलिन करने की जो है वो कोशिश की है। वो सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, तो ऐसे समय में उनके झूठे प्रोपेगेंडास जो है वो काम नहीं करेंगे। और इस ऑर्डर के ऊपर ना कोई रेफरेंस नंबर है, ना कोई डेट जो है वो मेंशन है। एफआईआर जल्द से जल्द जो है वो लगा दी जाएगी। मुझे लगता है थोड़े क्षणों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी इसकी कंप्लेंट जो है उसी क्षणों में हम लोग जो है वो दे देंगे। अब चूंकि आप लोगों के माध्यम से भी ये विषय आम जनता तक पहुंचे, इसीलिए आप सबको जो था वो आमंत्रित किया था। एक और विषय को लेकर आज हम आपके बीच में हैं। पार्टी के हमारे सभी सीनियर लीडर्स मेरे साथ हैं। युद्धवीर चालक जी जो मूलतः रूप से जम्मू के निवासी हैं और एक भारतीय टीम में, इंडियन क्रिकेट टीम में उनको स्थान जो है वो दिया गया है और ये हम सब जम्मू वासियों के लिए एक बहुत सम्मान का विषय है। हम अपने आप को गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम जम्मू कश्मीर के वासी भी जो हैं, खासतौर पर युद्धवीर चालक जो है वो जम्मू से संबंधित हैं, हम लोग पीछे नहीं हैं। पिछले 3 वर्ष से युद्धवीर चालक मुंबई इंडियन की तरफ से और लखनऊ की टीम की तरफ से आईपीएल में भी खेल रहे हैं और मेरा मानना है कि जो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज इंडिया बांग्लादेश की भारत में होने जा रही है, इसमें हम भगवान से यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि इनको खेलने का मौका भी मिले और खेल के साथ साथ अपनी स्पर्धा दिखाने का मौका भी मिले। ऐसे नौजवान खिलाड़ी अगर हमारे यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। तो मैं सीधे युद्धवीर सिंह चालक को आमंत्रित करूंगा कि वो ऊपर आए और हम उनको सम्मानित जो है वो करें।